कविता होती है पद जिसे कहते हैं, तो ये है रैदास के पद। इनका हम आज अर्थ करेंगे, अर्थ सहित इनकी हर शब्द की व्याख्या करेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, इन पंक्तियों में कवि रैदास जी ने अपने भक्ति भाव का वर्णन किया। भक्ति भाव यानी वो जिनकी पूजा करते थे, राम की पूजा किया करते थे, उन्हें कह रहे हैं कि मुझे तो आपके नाम की रट लग गई है। जिस तरह प्रकृति में काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, उसी तरह भक्त और भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही पहली पंक्ति में राम के नाम का गुणगान उन्होंने किया है। रैदास के पोइम की इन पंक्तियों में वे बोल रहे हैं कि अगर एक बार राम नाम रटने की लत लग जाए तो फिर कभी भी नहीं छूट सकती है। फिर वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आप चंदन की लकड़ी की तरह हो, जाकी अंग अंग बास समानी। और पानी और चंदन जैसे एक बिल्कुल एकाकार हो जाते हैं। जब चंदन की लकड़ी को पानी में घिस कर छोड़ देते हैं तो उसकी सुगंध पानी में मिक्स हो जाती है, फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपनी सुगंध भगत के मन में छोड़ जाते हैं और जिसे सूंघकर भक्त हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहने लगता है, नाम उनका रटने लगता है। आगे वह कहते हैं कि जब वर्षा होने वाली होती है और चारों ओर आकाश में बादल घिर जाते हैं तो जंगल में उपस्थित मोर अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार एक भक्त जो होता है किसी भी देवी देवता का, वह उसका नाम लिए बिना नहीं रह सकता। रैदास जी कह देते हैं कि जैसे दीपक में बाती जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है, जलता रहता है। कवि के अनुसार अगर ईश्वर मोती है तो भक्त एक धागे के समान है जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भक्त और भगवान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और इसलिए कवि ने एक भक्त से भगवान के मिलन को सोने पे सुहागा कहा है। सोने पे जिस तरह सुहागा लगा दिया जाए तो वह और भी अधिक चमकने लगता है, उसी प्रकार से भक्त और भगवान मिलते हैं तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। रैदास के पद की इन पंक्तियों में उनकी भक्ति भावना का वर्णन उन्होंने किया है और वे स्वयं को दास कहते हैं, गुलाम कहते हैं और प्रभु को स्वामी कहते हैं, यानी कि मालिक कहते हैं। उनका जो सेकंड पद है, ऐसे ही लाल है तुझे बिन कौन करे, इसमें कवि ने प्रभु की कृपा और महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार इस संपूर्ण जगत में प्रभु से बड़ा कृपालु और कोई भी नहीं है। वे गरीब तथा दीन दुखियों को समान भाव से देखने वाले हैं, छुआछूत में विश्वास नहीं करते हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच में कोई फर्क या भेदभाव नहीं उन्हें दिखाई देता है। इसी कारणवश कवि को यह लग रहा है कि अछूत होने के बाद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है। कैसी कृपा की है? असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रभु की इस कृपा की वजह से कवि को अपने माथे पर राजाओं जैसा छत्र महसूस हो रहा है। रैदास के पद की इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि कवि खुद को नीच और अभागा मानते थे, उसके बाद भी प्रभु ने उनके ऊपर जो कृपा दिखाई है कवि उससे फूले नहीं समा रहे हैं और प्रभु भक्तों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सभी भक्तों को समान दृष्टि से देखा करते हैं, वे किसी से नहीं डरते और अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा करते हैं। प्रभु के इसी गुण की वजह से नामदेव कबीर जैसे जुलाहे, साधना जैसे कसाई, सेन जैसे नाई और त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्तियों को इतनी ख्याति मिली, ख्याति यानी प्रसिद्धि उन्हें मिली। प्रभु की कृपा से
उन्होंने संसार रूपी सागर को पार कर लिया। संसार को क्या कहा है? समुद्र के समान बताया है, और उसको पार किसकी कृपा से किया है? प्रभु की कृपा से किया है। रैदास के पद की अंतिम पंक्तियों में कवि संतों से कहते हैं कि प्रभु की महिमा या लीला अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं।